Hey guys, this is Pritiva and you are watching PTV. तो आज इसमें प्रेडिक्शन वीडियो देने जा रही हूँ, वह है बंटाई रिकॉर्ड्स का यंग गालिब का न्यू ट्रैक आ चुका है और जो टाइटल है ट्रैक का वो भी है गालिब। और आप लोगों को पता ही है कि बंटाई रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट है जो कि यंग गालिब है, मतलब इनके जो ट्रैक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा उप्स रहते हैं। लिरिक्स की बात की जाए तो लिरिक्स बहुत सही होते हैं इनके, तो मैं बस वही चीज़ देख के आई। ऊपर से ट्रैक का नाम भी गालिब है, तो हो सकता है कि मे बी इन्होंने अपने रिगार्डिंग कुछ बोला होगा इस ट्रैक के अंदर या फिर क्या है। तो अगर ट्रैक की बात की जाए गालिब की, तो जो प्रोड्यूस बाय है वो है टोनी जेम्स, टाइटल भी गालिब है, आर्टिस्ट है यंग गालिब और म्यूज़िक मास्टर्ड बाय मीम्स मशीन। तो यू नो वेरी वेल कि मीम्स मशीन का किस लेवल का होता है। और वीडियो जो है वो है 301 स्टूडियोज, तो देखना है अपन को, तो अपन तो देखेंगे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लिरिक्स पहले से ही धमाल करने वाले, ऊपर से जो बीट्स है म्यूज़िक है वो है टोनी जेम्स की। तो भाई लोग समझ जाओ कि किस लेवल का होने वाला है ट्रैक। तो शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन इट। तो मेरा टाइम इसका नाम चलता है पीटी की दुनिया से बंटाई रिकॉर्ड्स की दुनिया में, लेट्स गो। साल मेरा सब बीता, जले पे नमक जले पे मेरे कोई मर्ज नहीं था, पहले था शौक रैप फिर शौक से रोजी बना, कला का साथ निभाना मेरे लिए फर्जी था हर फर्ज। That line, पहले था शौक अब मेरा रोजी बना और कला का साथ निभाया तो यही अब मेरा फर्ज है। मतलब लाइक पहले मैं सिर्फ ऐसे ही कमाता था, मतलब ऐसे ही अपना सिर्फ शौक के लिए गाता था, बट अब मेरा वो रोजी बन गया है, उसी के थ्रू वही मुझे खाने पीने का देती है, तो वही अब मेरा फर्ज बन गया कि मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊं। साल मेरा सब बीता, जले पे नमक जले पे मेरे कोई मर्ज नहीं था, पहले था शौक रैप फिर शौक से रोजी बना, कला का साथ निभाना मेरे लिए फर्जी था हर फर्ज। पूरा करूं करूं ना मैं चीट ब्रो, भाई बने सही बहुत सही ब्रो, मुझे बीट दो, हेटर्स तो मेरे हमेशा रहते हैं नेगेटिव, दे स्केयर्ड ऑफ मी जैसे मैं 2020 ब्रो, फेम के लिए मैं करूं ना किसको डिस ब्रो, मेरा बस यही मोटिव लव रिस्पेक्ट पीस हो, पर जिस दिन होगा मेरा राइवल मेरे सामने तो वादा रहा मेरा कि आई विल गेट हिम ऑन हिज नीज ब्रो, वेट बता दूं तुझे सच मेरा सबसे प्यार किसी से नहीं गच मेरा जिस समय मिट्टी को। बहुत सही, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि जो लिरिक्स होने वाले वो बहुत ज़्यादा कमाल के होने वाले, और वही चीज़ हुई। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं फेम के लिए किसी को डिस नहीं करता, मैं सिर्फ लव रिस्पेक्ट ये सब देखता हूँ, लव रिस्पेक्ट पीस, और मतलब मैंने पहले ही कहा था ये बंदा ना अलग इसके लिरिक्स। बता दूं तुझे सच मेरा सबसे प्यार किसी से नहीं गच मेरा जिस समय मिट्टी का और दिल है मेरा कांच का, टूटा जो दिल किसी पे बचा नहीं ट्रस्ट मेरा, खुदा से ज्यादा भरोसा ना मुझे अब किस पे, कुत्ते शेर जब तारे होते गर्दिश में, गलत जो होता तो मैं झेल लेता सजा भी, मसला सुलझाता टेंशन ना लेता हरगिज में, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में खुद में ये क्यों नहीं है, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में कोई नहीं, मेरे जैसा मेरे जोन में मुझे फर्क कल का सोचे जो कल का मतलब कल का सोचे जो परेशान है क्या था यार, वो मेरे को समझ में आ गया है, पीछे एक बार करते हैं वापस। गालिब है नाम मेरा चाहने वाले साथ दे, कल की सोचे जो कलम मेरे हाथ में, बातें होती रहती बारे मेरे मुझे फर्क कैसे पड़े। कल का सोचे जो कल के बारे में फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो टेंशन लेते रहते, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पेन है, मैं मेरा फ्यूचर खुद लिखता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली कितना बोल रहे कि मैं खुद लिखता हूँ,
ये बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा, मतलब कर क्या ही कर ही रहा है यार, यंग अली मानना पड़ेगा लिरिक्स गजब के। एक लाइन बोली थी इन्होंने अभी कि एसिड वाला रोल और तेजाब में, एसिड वाला मतलब एसिड जिस तरीके से, शायद इसका मीनिंग में भी ये हो सकता है कि एसिड वाला रोल कि मैं बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता हूँ, और पर मैं तेजाब हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा बढ़ करूँ, ये चीज़ हो सकती है। तेरी अकड़ को पिघला के कर देखा के ना एसिड वाला रोल, फिर भी बोल है तेजाब से, सपेरा तू तेरे साथ वाले साहब बे, अदब से कर तू दुआ तुझे बचाए अजाब से, और रैप गेम में जो बन रहे कसाब उन्हें फांसी सुना के मैं खत्म कर दूंगा तंग आ गाना घाट का तू कुत्ता बेटा धोबी का, ये मुतने लगे कान पे जब मिली इन्हें सुविधा, पर मुझे पता सीन में मेरी क्या भूमिका, तू रोल मत दिखा बेटा मैं हीरो मेरी मूवी का, 2021 एक ही मोटिव मेरा, जाने वालों को है अच्छी चीज देना, अब जलने वाले भी कुछ होंगे परेशान, उनको पता जो मैं जी गया तो अगला साल भी मेरा गालिब, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में कोई नहीं, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में कोई नहीं, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में कोई नहीं, मेरे जैसा मेरे जोन में कौन है, मेरे जैसा मेरे जोन में। मैं चाहती थी ट्रैक थोड़ा और बड़ा होता तो मजा आता। सो गाइस फाइनली द ट्रैक इज ओवर, और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था लिरिक्स जो होने वाले बहुत ज़्यादा तगड़े होने वाले, और वही चीज़ हुई, लिरिक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं किसी को डिस करके नहीं बढ़ता, फैम नहीं लेता हूँ करके, मेरे को हमेशा एक शांति और रिस्पेक्ट, दूसरों की आदर वादर आदर सत्कार करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और फिर उन्होंने बोला एक चीज़ जो कि एंड में आई स्टांजा के, तो वो चीज़ लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, तू कुत्ता तू घर का ना घाट का, तू घर का कुत्ता भी नहीं रहा, घाट का कुत्ता भी नहीं रहा, तुझे मतलब एक खुद का एक स्टेज मिल गया, तो तू मतलब कान में करने लगा, समझ जाओ किन किन के लिए कहा है, शायद अपने किसी एनिमीज के लिए कह रखी है, या फिर हो सकता है कि कभी हर किसी को मतलब हजम नहीं होती है वो चीज़ें, मैं उस चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मेरी भावनाओं को। तो बस वही चीज़ उन्होंने यंग गालिब ने कह रखी कि किसी किसी को सक्सेस सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वही चीज़ है कि वो कान में इसको कैसे स्प्लिट करूँ मैं। इन्होंने एक लाइन बोली थी ऐसी कि ये घर का ना घाट का कुत्ता है, और जब इनको सक्सेस जब इनको कोई एक स्टेज मिल जाता है तो कान के पीछे करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सुविधा नहीं देखी है। एग्जैक्टली ये चीज़ थी, तो वही चीज़ उन्होंने बोला है कि ये चीज़ होती है कि जब अचानक से आप लोग ये नई नई चीज़ें देखते हो, ग्लैमर देखते हो, तो फिर पगला जाते हो, तो वही चीज़ हुई, इन्होंने यंग गालिब ने इस तरीके से बोली इस चीज़ को। और इन्होंने फिर एक चीज़ और बोली थी कि शरीर मेरा मिट्टी का और कांच मेरा दिल का, और अब एक बार टूट गया है, अब भरोसा नहीं होगा क्योंकि वो टूट गया है कांच का दिल। तो मतलब कुछ कुछ जो लाइन्स है बहुत सही है इसमें, क्योंकि लाइन्स इनकी जो लिरिक्स थी, एक एक वर्ड हर एक लाइन का मतलब निकल रहा था अगर आप सुनोगे प्रॉपरली। और एक एक चीज़ मुझे इसमें समझ नहीं आई थी कि उन्होंने बोला कि मैं एसिड हूँ, मैं एसिड की तरह हूँ पर अब मैं तेजाब हूँ करके, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं कि उनका मतलब क्या था उस चीज़ में बोलने का। और एक और चीज़ थी कि 2020 में जो हुआ ठीक है वो मेरा पास था, बट 2021 लास्ट में भी इन्होंने ये चीज़ बोली, तो वो किस लिए क्या क्या प्रूफ करने चाह रहे हैं कि 2021 मेरा सबसे बेस्ट होगा और मैं खुद को प्रूफ कर दूंगा, वो चीज़ शायद शो कर रहे हैं इसमें। तो वैसे तो हम लोग हैं इनके इतने बड़े फैन, तो फिर प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है आई थिंक, तो जो है बहुत ज़्यादा डिजर्व करते रिस्पेक्ट। और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लो ना यार, सब्सक्राइब करना बनता है। और शेयर भी कर देना मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, जिसको भी अगर आपको अच्छा लगता है कि लाइक आप चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करो धीरे धीरे, तो प्लीज़ कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल ऑन स्क्रीन है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाइए क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए इस तरह यूज़ करते रहिए और मेरे सबसे रहिए पीटी की दुनिया में, तब तक के लिए बाय बाय।